प्यार में इस बार कई जिलों में बारिश औसतन कम हुई है, लेकिन नदियों में तूफान ऐसा मानो पूरे बिहार को अपने आगोश में ले ले। कई जिले बाढ़ की विभीषिका झेल रही है, तटबंध पर बसे गांव उजड़ने लगे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। बिहार में बाढ़ की विभीषिका, उफान पर नदियां, मचा हाहाकार, आशियानों ने ली जल समाधि, जनता की गुहार सुनो सरकार। बिहार के कई जिलों में इस बार औसत से भी कम बारिश हुई है, लेकिन बाढ़ की विभीषिका की तस्वीर डराने लगी है। नेपाल में हुई मूसलाधार बारिश के बाद से ही नदियां उफान पर हैं और आसमानी आफत से लोगों का आशियाना उजड़ने लगा है। पूड़िया में बाढ़ के बाद घरों को तोड़ने की तस्वीर और जनता के पलायन की तकदीर सालों से नहीं बदली है। पूड़िया के अमौर प्रखंड के 22 पंचायत के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। एक साथ परमान, कनकई और महानंदा नदी में आए उफान से हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। कई घरों में पानी घुस आया है तो कई सड़कें बाढ़ के कारण टूट चुकी हैं। बची हुई सड़कें भी बाढ़ के आगोश में जाने को तैयार हैं। लिहाजा प्रखंड मुख्यालय से लोगों का संपर्क टूट चुका है। तस्वीरें अमौर के बिशनपुर पंचायत की हैं, जहां बाढ़ ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। एक तो प्रकृति की मार और दूसरी ओर प्रशासन की अनदेखी से जनता लाचार। ना तो लोगों को कोई मदद मुहैया कराई गई और ना ही उनके सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं। किस नदी का पानी है? परमान का। कितना प्रभावित है इलाका? अमोर लगभग प्रभावित है, 2400 पंचायत और खास के मेरा पंचायत चेरो वार्ड प्रभावित है। अभी कोई व्यवस्था नहीं, ना इस पर कोई बैठक अभी तक हमारे पदाधिकारीगण रखे हैं कि क्या होना चाहिए। प्रतिनिधिगण से समस्या आने जाने की दिक्कत हो रही है। आपका लगभग 100% रोपनी हो चुका था, बर्बाद हो गया। नेपाल में हुई बारिश का असर सिर्फ पूड़िया में ही नहीं बल्कि गोपालगंज में भी देखने को मिल रहा है। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। ऐसे में निचले इलाकों में बसे गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालांकि यहां बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी है। डीएम की माने तो एनडीआरएफ की टीम को बुला लिया गया है और कम्युनिटी किचन खोलने के लिए भी पूरा इंतजाम हो चुका है। एहतियातन तटबंधों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कई निर्देश जारी किए गए हैं। उस निर्देश के आलोक में जैसे ऊंचे स्थलों का चयन हो गया, साथ ही लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जो हमारे कई पंचायत में वार्ड वाइज जो लोगों का रजिस्ट्रेशन है वो भी हम लोगों ने पोर्टल पे एंट्री करके अपडेट कर लिया है। विभिन्न विभाग हैं, जैसे रोड विभाग है हमारा, RCD है, RWD है, उनको भी हम लोगों ने अपडेट किया है। सभी CEO को सामग्री के साथ तैयार रहने के लिए हम लोगों ने सूचित किया है और विधिवत टेंडर भी हो गया है, पशु चारा का भी टेंडर हो गया है। इस प्रकार से हमारी तैयारियाँ पूर्ण हैं और हम सभी लोग सजग हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो गंडक नदी है उसका जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर गंडक नदी के द्वारा ऑफिस बनाया गया है, जहाँ पर यहाँ पे जो अफसर तैनात हैं, कनीय अभियंता हैं या जो यहाँ पे कर्मी हैं, वो लगातार जो गेज है उससे यह नापते रह रहे हैं कि क्या गंडक का जो जलस्तर है किस स्थिति में है और कैसे बढ़ और कैसे घट रहा है। इस समय वर्तमान स्थिति यह है कि गंडक नदी का जो जलस्तर है उसमें जो खतरे के निशान है उससे तकरीबन 20 सेंटीमीटर अभी नीचे बह रहा है। ऐसे गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा गंडक नदी के तटबंध पर और गंडक विभाग के द्वारा गंडक नदी के तटबंध पर लगातार नजर बना के रखा गया है। नदियों का रौद्र रूप भागलपुर में भी दिख रहा है, जहां जीवनदायिनी गंगा और कोसी अपने शबाब पर है। उफान पर आई दोनों नदियां गांवों को बहाने पर आमादा हैं, तो वहीं गंगा किनारे के गांव में कटान शुरू हो गया है। सबौर प्रखंड के बाबूपुर गांव में गंगा का रूप विकराल देखने को मिल रहा है। तेज लहरें गांव को काटने के लिए तैयार हैं। अब तक कई एकड़ खेतिहर जमीन गंगा की जद में समा चुकी है, किसानों का रोजगार छिन चुका है और लोग शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पानी तो बढ़ रहा है, कटाव हो रहा है। हाँ, कटाव तो चल रहा है, यहाँ से बहुत दूर तक, इंग्लिश से भरी देर चौका तक जा रहा है कटाव। खेती आप लोग करते थे? हाँ, खेती था, कट गया। कितना खेत था आप लोग? एक बीघा।
कट गया सारा, सब कट गया। झारखंड के साहिबगंज में भी उत्तर वाहिनी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वहीं बाढ़ से निपटने के लिए डीसी रामनिवास यादव ने जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों के बिंदुओं पर चर्चा की। तो प्रत्येक वर्ष गंगा के पानी का स्तर बढ़ने से उन सभी क्षेत्र में पानी आ जाता है, तो कुछ गांव और कुछ जो हमारा टोला है वो इनुंडेट होने लगता है, थोड़ा पानी घरों में घुसने लगता है। इस सब के लिए हम लोगों ने पहले से ही लाइफ जैकेट है, ट्यूब्स हैं, बाकी जो भी रस्सी वगैरह है, जो भी सामान है वो दुरुस्त कर लें। जैसे हम लोग के पास 4 बोट हैं, हम उन बोट्स को तैयार करवा लिए हैं। 2 एम्बुलेंस भी हैं हम लोग के पास, बोट एम्बुलेंस, उनको ऑलरेडी चल रही हैं, उनको भी सुचारू रूप से चलाएँगे। बहरहाल बिहार में बाढ़ से हाहाकार की तस्वीरें हर साल देखने को मिलती हैं, बावजूद कटाव रोधी कार्य नहीं किया जाता। हर साल गाँव के आशियाने बह जाते हैं, गाँव के गाँव जल समाधि ले लेते हैं और शासन प्रशासन की अनदेखी का दंश जनता झेलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।